हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है नेहरू युवा केंद्र संगठन 1972 यानी NYKS, जिसका फुल फॉर्म होता है युवा केंद्र संगठन। दोस्तों, इसके पहले मैं भारत में सारे शिक्षा को बढ़ावा देने और खेलों को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले स्वतंत्रता के पूर्व एवं बाद के बहुत सारे संगठनों के बारे में वर्णन कर चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे शिक्षा के महत्वपूर्ण संगठन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के उसे जरूर देख लीजिए। तो आज के टॉपिक पर बात करते हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन। जैसा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना 1972 में हुआ, ठीक है, कब हुआ? 1972 में। ज्यादातर इसी को बस पूछ लिया जाता है, इसमें इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। अब किस इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रतिभागिता को ध्यान में रखकर, ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना जो है ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रतिभागिता को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गई है। इसको ध्यान में रखकर, ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रतिभागिता हो सके इसको ध्यान में रखकर। और इस किसके अधीन आता है? युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के अधीन आता है। इसके युवा कल्याण खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अधीन आता है यह, ठीक है। और 1997 में भारत सरकार ने इसको स्वायत्त शासी ऑटोनोमस का दर्जा दिया है, नेहरू युवा केंद्र संगठन को, ठीक है। इस प्रकार इसमें से मुख्य है कि 1972 में इसकी स्थापना हुआ, मुख्यालय दिल्ली में हुआ, ग्रामीण युवाओं के राष्ट्र निर्माण प्रतिभागिता को देखकर ध्यान में रखकर, इसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना हुआ। और युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अधीन आता है। और 1997 में इसको भारत सरकार ने स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस का दर्जा दिया। अब बात करती हूँ कि 13 से 35 वर्ष के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए उद्देश्य, मतलब 13 से 35 वर्ष के युवाओं को ध्यान में रखकर युवा केंद्र की संगठन यानी कि नेहरू युवा केंद्र का स्थापना हुआ है। तो इसमें से 13 से 35 वर्ष के युवाओं को ध्यान में रखकर क्या उद्देश्य बनाया गया है? जैसे कि राष्ट्र निर्माण कार्यो में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी, ठीक है, यह मुख्य रूप से ग्रामीण युवाओं का विकास हो सके और ग्रामीण के गांव के बच्चे भी खेलों के प्रति और इन सब के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करें, इसके लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया गया है नेहरू युवा केंद्र पर। एंड दूसरा है ग्रामीण युवाओं में राष्ट्र के आधुनिक धर्म निरपेक्ष और तकनीकी युक्त बनाने हेतु तो कौशल व मूल्यों को विकसित करना, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि 13 से 35 वर्ष के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और कि राष्ट्र निर्माण में कार्यों में राष्ट्र निर्माण के कार्यों में ग्रामीण युवाओं का प्रतिभाग हो सके और ग्रामीण युवा में राष्ट्र को आधुनिक धर्म निरपेक्ष और राजनीतिक और तकनीकी युक्त बनाने हेतु, ठीक है, कौशल व मूल्यों को विकसित करने हेतु इसकी स्थापना किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है यही कि ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र को आधुनिक धर्म निर्देश और तकनीकी युक्त बनाया जा सके और उनके कौशल और मूल्यों को विकसित किया जा सके, यही इसका उद्देश्य है। जहाँ कहीं भी ग्रामीण युवाओं के प्रतिभागिता की बात आए तो वहां नेहरू युवा केंद्र सही रहेगा, ठीक है। इस संगठन का कार्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो इस संगठन का कार्य क्या है कि यह यूथ लीडरशिप कैंपों का आयोजन कर बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन तथा आत्मनिर्भरता के गुणों को विकसित किया जाता है। तो इस संगठन के द्वारा क्या किया जाता है, यूथ लीडरशिप में युवाओं के लीडरशिप कैंपों का आयोजन किया जाता है और आयोजन करके बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के गुणों को विकसित किया जाता है इस संगठन के द्वारा। एंड कैंप के द्वारा युवाओं को एकता के सूत्र के में पिरोने की शिक्षा ही प्रदान की जाती है। एंड स्वास्थ्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है और समाज कल्याण तथा सेवा के कैंप इसमें लगाए जाते हैं। और एंड गाँव में बायोगैस प्लांट लगाने में मदद की जाती है इसमें, ठीक है। एंड व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण केंद्र तथा यूथ क्लबों का संगठन एवं संचालन में भी भूमिका होती है, ठीक है।
यह मतलब व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन तो करती ही आत्मनिर्भर घर ये सब करने के लिए, लेकिन एक व्यवस्था देती है यानी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण केंद्र तथा यूथ क्लबों का संगठन एवं संचालन में ये भूमिका यह निभाती है। एंड ग्रामीण खेलों की प्रतियोगिताएं तथा खेल प्रशिक्षण और खेलों से संबंधित अनेक प्रयोग किए जाते हैं इसमें, कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतियोगिताएं और खेल प्रशिक्षण सब कैसे कराया जाए, खेलों से संबंधित अनेक प्रयोग ये सब किया जाता है, ठीक है। एंड गाँव में नौजवानों को बायोगैस प्लांट के निर्माण तथा देखभाल और संचालन तथा मरम्मत की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड धुएं रहे चूल्हे के प्रयोग को भी प्रोत्साहन किया जाता है और गाँव में सड़कों तथा कम्युनिटी सेंटर की स्थापना किया जाता है, ठीक है। एंड अनेक स्थानों पर ट्राइसेम जैसी स्कीम संचालित की जाती है, ठीक है। ट्राइसेम, ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टी से ट्रेनिंग, आर से रूरल, वाई से यूथ फॉर एस से सेल्फ, ई एम से एम्प्लॉयमेंट, तो ट्राइसेम का ये अर्थ होता है। तो यह अनेक स्थानों पर ट्राइसेम जैसी स्कीम की स्थापना संचालित करती है, यानी कि रूरल ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो युवाओं के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करने का एक संस्था है, ठीक है, स्कीम है। तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म ये है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तो दोस्तों ये था नेहरू युवा केंद्र, इसमें से दो तीन बस इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ लिया जाता है बहुत बार, ठीक। और किसके अधीन आता है, तो युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ग्रामीण युवाओं के राष्ट्र निर्माण में प्रतिभागिता को ध्यान में रखकर यह स्थापित किया गया, यही इसमें से मुख्य पॉइंट है एग्जाम के रिलेटेड से, ठीक है। इससे बाहर नहीं आ सकता है, एक दो क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, इसके उसको ध्यान में रख लीजिए। और ग्रामीण युवाओं को यह क्वेश्चन इस प्रकार का बनाता है जिससे लोग अक्सर भूल जाते हैं, इसमें जब भी ग्रामीण युवाओं के विकास की बात आए वहाँ पे नेहरू युवा केंद्र होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जो आपको समझ में आया होगा, एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इन्हीं सारे शिक्षा फेडरेशनों के बारे में, जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NCERT, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। ये सीरीज पूरा करने के बाद मैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो लाने वाली हूँ जो वेरी इम्पोर्टेंट होगा, जैसे खेल प्रशिक्षण, परीक्षा मापन एवं मूल्यांकन। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।